जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में धान खरीद संबंधित बैठक जिलाधिकारी कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि जिले में 1 नवंबर से धान खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि 1 नवंबर से किसानों के धान क्रय केंद्रों पर खरीदे जाएंगे। इसके लिए किसानों को पहले से ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि किसानों को रजिस्ट्रेशन की सुविधा के लिए अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर भी कर्मचारी उपलब्ध रहेंगे और किसानों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि किसानों के धानों को शासन के निर्धारित मूल्य 1,940 रुपए प्रति क्विंटल से खरीदा जाएगा और उसका भुगतान 72 घंटे के भीतर कर किसानों के बैंक खातों में कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, दुकान में बैठ रहे हैं कि वितरण के लिए और किसानों का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। अब सभी डीएलईस को 500 किसान कर रहे थे। जिला प्रबंधक को बोलते हैं, उनका कोई वर्चस्व है नहीं कि नीचे तक बोले डीएलई का नंबर ले, यहीं से बात करें क्योंकि, और वो लेटर व्हाट्सएप कर दे जो मैं लेटर बना रहा हूँ। एक लेटर बना दीजिए, 300 का लक्ष्य दिया जाता है, कोई 300 से नीचे करेगा तो हम लोग कार्रवाई कर देंगे। किसानों का पंजीकरण करेंगे, उनको ये माना जाएगा कि उनका क्षेत्र में वर्चस्व नहीं है और उनको लाइसेंस लाइसेंस पर विचार किया जाएगा। ठीक है, लीजिएगा एक डीएलई को, परसों लाइसेंस बैठक कराएंगे, दोबारा चर्चा करेंगे, सारे बिंदु लिख दीजिए। इसमें सभी जनपद में निरंतर अनुश्रवण किया जा रहा है। शासन के मंशानुरूप क्रय केंद्र किसानों की सुविधा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खोले गए हैं। वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। किसानों की मोबिलाइजेशन के लिए लेखपाल, ग्राम पंचायत और किसान सहायक सभी को मोबिलाइज करने के लिए बताया गया है। इस बार शासन ने OTP बेस्ड सिस्टम लागू किया, जिसके लिए किसानों को पूर्व पंजीकरण करना अति आवश्यक है एवं बहुत सुगम रहेगा। इसीलिए लगातार कैंप्स का आयोजन किया जा रहा है। कोटे के वितरण के दिन भी हमने अनुरोध किया है कि उस दिन हमारा बीएलई के संस्था के प्रबंधक वहां बैठेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे। किसान सुगमतापूर्वक जब राशन वितरण व्यवस्था चल रही है वहां पे किसानों अपना पंजीकरण कर सकते हैं, उससे अनेकों योजनाओं में उनको आगे भी लाभ मिलेगा। तो पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें और अपना डेटा अद्यावधि करना सुनिश्चित करें, ये हम लोग सभी से आग्रह करेंगे। और इस बार समर्थन मूल्य प्रशासन ने घोषित किया 1940 रुपये, उससे नीचे कभी कहीं पर भी ना बेचें और सुनिश्चित करें कि केंद्र में, सरकारी केंद्र में आकर अपने अपने उपज का सही दाम प्राप्त करें।